सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज सुबह मुझे बिजली मंत्री होने के तौर पे बिजली विभाग से एक फाइल आई। उस फाइल में बिजली विभाग ने यह प्रस्तावित किया है कि जो फ्री बिजली दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के किसानों को देती है, दिल्ली के वकीलों को देती है, उस फ्री बिजली को बंद करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने आज मेरे सामने रखा। जब ये फाइल मेरे सामने आई तो मुझे बहुत अचंभा हुआ कि चुनी हुई सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, बिजली मंत्री ने जब कोई आदेश ही नहीं दिया कि वकीलों की फ्री बिजली रोकनी है, उनके चेंबर्स की फ्री बिजली रोकनी है, किसानों की फ्री बिजली रोकनी है, तो आखिरकार ये प्रस्ताव आया कहां से? मैंने पावर डिपार्टमेंट के अफसरों को बुलाया और पावर डिपार्टमेंट के अफसरों ने एक सुर में एक ही बात कही। उन्होंने सबने बताया कि एलजी साहब का बहुत दबाव है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहुत दबाव है कि हमें बार बार एलजी साहब द्वारा बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बोला जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से जो दिल्ली सरकार फ्री बिजली दे रही है उस फ्री बिजली को रोका जाए। उन्होंने बताया कि रोज रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता एलजी ऑफिस पे बैठे रहते हैं और फिर वहां से एलजी साहब फोन करते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं और कहते हैं कि फ्री बिजली को बंद करो। और जो ये प्रस्ताव है कि किसानों की फ्री बिजली रोकी जाए, वकीलों की फ्री बिजली रोकी जाए, ये एलजी साहब के दबाव में बनाया गया है। मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जी से कहना चाहूंगी कि हमें पता है कि आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, हमें पता है कि आप अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, पर मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहूंगी कि हमसे इतनी नफरत भी मत कीजिए कि अब आप दिल्ली वालों से नफरत करने लग गए हैं, अब आप दिल्ली के वकीलों से नफरत करने लग गए हैं, अब आप दिल्ली के किसानों से नफरत करने लग गए हैं। जब से ये खबर सुबह से बाहर आई है, इसकी सूचना वकीलों को मिली है, किसानों को मिली है, तो बार बार सुबह से मेरे पास फोन आ रहे हैं वकीलों के। वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे चेंबर्स में देने वाली फ्री बिजली बंद हो जाएगी। किसान पूछ रहे हैं कि क्या जो हमें अपनी खेती के लिए फ्री बिजली मिलती थी वो बंद हो जाएगी। मैंने कल दिल्ली के कई किसानों को और दिल्ली के कई वकीलों को समय भी दिया है, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के किसानों को, दिल्ली के वकीलों को यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल हैं तब तक चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, चाहे एलजी साहब के और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कोई भी फाइलें चला ले, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल हैं तो आपकी फ्री बिजली रुकने वाली नहीं है। ना किसानों की फ्री बिजली रुकने वाली है, ना वकीलों की फ्री बिजली रुकने वाली है, ना जो सारे दिल्ली वालों को फ्री बिजली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देती है वो रुकने वाली है। चाहे एलजी साहब कितनी कोशिश कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के हक के लिए, दिल्ली वालों की एक बेहतर जिंदगी के लिए लड़ते रहेंगे और आपको आपका अधिकार मिलता रहेगा। थैंक यू। तो ये कई कैटेगरीज ऑफ लोगों को दी जाती है, 200 यूनिट भी दी जाती है, 400 यूनिट पे आधी दी जाती है, लेकिन दिल्ली के सारे किसानों को फ्री बिजली मिलती है, उन्हें कोई भी बिल नहीं भरना पड़ता। हाँ, दूसरी बात, जो वकील है
उनके चेंबर्स के लिए फ्री बिजली दी जाती है और सालों सालों से दी जाती है, लेकिन आज ये प्रस्ताव आया है कि किसानों की और वकीलों की फ्री बिजली बंद करी जाए। दिस इज कम फ्रॉम द पावर डिपार्टमेंट। इसमें पावर डिपार्टमेंट के सारे अफसरों की सिग्नेचर है। जो फ्री बिजली आप लोग की दिल्ली सरकार की योजना के द्वारा उससे पहले से बिजली दी जा रही है? नहीं, ये पहले से नहीं दी जा रही। ये दोनों ही स्कीमें अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद शुरू हुई। जो किसानों की है वो अनलिमिटेड है, और जो लॉयर्स की चेंबर्स की है वो 200 और 400 यूनिट के हिसाब से उनको दी जाती है। आतिशी जी, कल एनसीपी का बजट आया तो लोगों के बीच में ये भी शंका है कि क्या जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कल के बजट में प्रमुख तौर पे जो भी वादे आम आदमी पार्टी पूरे कर पाई है, तो क्या ये जो विवाद है कहीं एनसीपी तक तो पेनिट्रेट नहीं कर जाएगा, लोगों के अंदर चिंता है? क्या आप दावा करना चाहती है, क्या आश्वासन देना चाहती है बजट के? देखिए, मैं दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहती हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल हैं तब तक आपको आपका अधिकार मिलेगा, आपको फ्री बिजली मिलेगी, आपको फ्री पानी मिलेगा, आपको अच्छे स्कूल मिलेंगे, आपको अच्छे अस्पताल मिलेंगे, और हम अब एमसीडी में आ गए हैं तो आपको साफ सफाई भी मिलेगी, अच्छी सड़कें भी मिलेंगी, अच्छे पार्क भी मिलेंगे। हमें चाहे बीजेपी के खिलाफ, एलजी साहब के खिलाफ कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों को उनका अधिकार जरूर मिलेगा। एक अप्रैल आ रहा है, नया सब्सिडी का जो ऑप्शन, जो बिजली सब्सिडी का ऑप्शन है जो अक्टूबर से लोगों ने चुना है, वो नेक्स्ट अप्रैल तक लागू रहेगा, नेक्स्ट कमिंग ईयर तक लागू रहेगा, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर वो बिजली सब्सिडी फिर आपको हर बारी ऑप्ट इन करनी पड़ेगी। हाँ जी, एक अप्रैल से पूरा साल, पर अभी तो लोगों ने अक्टूबर में ही चुना है। अच्छा। तो अक्टूबर से ही जिन लोगों ने चुना है वो अगले 31 मार्च तक वो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। चलिए, थैंक यू। ऑफकोर्स वी विल रिप्लाई आज ही आ रहा है।